हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक बिला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल चांगलपुरी में। हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज़ पिक्सल ऐप। और दोस्तों, पिक्सल ऐप जो है, पिक्सल ऐप को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे चलाते हैं, इसके अंदर मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिक्सल ऐप क्या है। जो लोग नहीं जानते हैं, जिनको जानना चाहते हैं कि पिक्सल ऐप क्या है, तो दोस्तों पिक्सल नाम से ये ऐप है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आपको फ्री वीडियोज़ एंड फोटोज़ मिलते हैं डाउनलोड करने के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके अलावा इनको आप जो है यूज़ करके वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं कमर्शियली कहीं पे भी, और उसके बाद में उससे पैसा अर्न कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगना है इधर पे। और इसके अलावा कुछ प्रीमियम भी इसमें दिए रहते हैं, लेकिन फ्री में ही जो है फोटोज़ और वीडियोज़ बहुत सारे ऐसे अवेलेबल हैं, जिसका आप यूज़ करके अच्छे खासे वीडियो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है ऐप, और मैं कहूँगा कि इसके अंदर में जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आती है, जिसमें आप नीचे इस तरह से जो है आप क्लिक करते जाइए, और आप इसमें जो है अलग अलग आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ देखने को मिल जाती हैं। ऊपर आप देख सकते हैं सर्च फॉर फ्री कंटेंट का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इधर पे आप जो है वीडियो सर्च कर सकते हैं, जो भी आप नाम से सर्च करना चाहते हैं, गर्ल्स वीडियो, बॉयज़ वीडियो, है ना। तो वो यहाँ पर जो है, जैसे हमने यहाँ पर एक वीडियो सर्च किया, तो यहाँ पर हमें इस तरह से जो है देखने को मिल रहे हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि 213 के मतलब 200,000 करीब फ़ोटोज़ यहाँ दिख रही हैं। वीडियो पे जैसे क्लिक करते हैं तो 89 लाख यहाँ पे वीडियोज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इसको आप जो है देख सकते हैं, इसमें अलग अलग वीडियोज़ आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें से जो भी वीडियो आपको उठाना चाहते हैं, इसको सेव करना चाहते हैं, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना। आप पहले तो उस वीडियो को पूरा देख लीजिए कि कहाँ तक की वीडियो है ना, और कैसा ये वीडियो है, वो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। नीचे आप यहाँ पे देखेंगे एक डाउनलोड वाला बटन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड एंड शेयर वाला ऑप्शन, इसका जो ओरिजिनल पिक्सल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इतने ज़्यादा हाई पिक्सल में इसको सेव नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे आपको और भी ऑप्शन दिए, जैसे लार्ज का ऑप्शन है, स्मॉल का ऑप्शन है, मीडियम का ऑप्शन है, या अपने साइज़ में कस्टमराइज़ कर सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो वीडियो आप क्रिएट कर रहे होते हैं उसका आपको मालूम है कि आपको कहाँ यूज़ करना है और उसको कितने पिक्सल में आपका जो है आप वीडियो लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग पिक्सल्स में दिए, सबसे अच्छी बात ये इसकी है। इसके अलावा दोस्तों, और भी नीचे उसमें रिलेटेड मीडियाज़ आपको देखने को मिलेंगे, एक ही से जुड़े हुए और भी वीडियोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ देखने को मिल रही होंगी, तो वो सारा कुछ आप उस कलेक्शन में देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, जिसने डाला होता है, मतलब जो भी अपलोड वहाँ पर कर रहा होता है, अगर आपको उसके कलेक्शन अच्छे लग रहे होते हैं, तो उस पर आपको क्लिक करना है उसके लोगों पर। और जैसे यहाँ पर एक हमने एक यूज़र का यहाँ पे क्लिक किया है, उस यूज़र के रीसेंट मीडिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कलेक्शन वाला ऑप्शन है, जिसमें वो कैटेगरी वाइज उसने उसको बनाया होगा, अपने कलेक्शन को रखा होगा, तो आप उधर से भी जाके उन कलेक्शंस को देख सकते हैं, और जो भी आपके काम का है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से दोस्तों, इसमें जो है वीडियोज़ आपको देखने को मिल रहे हैं। और बैग हम चलाते हैं, और भी दूसरे वीडियोज़ अगर आप इसमें जो है सर्च करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे कुछ नेचर्स के वीडियो या फोटो या वीडियो जो भी आप यहाँ सर्च करना चाहते हैं, देख सकते हैं कितने सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे सपोज़ एक ये फ़ोटो यहाँ पे है, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सिर्फ डाउनलोड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। ओरिजिनल इसका जो है आइकन दिया हुआ है, स्मॉल मीडियम जिसमें भी आप चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, और डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है, और परमिशन अलाउ कर देना है अपने मोबाइल की, और ये उसी उसमें होके देख सकते हैं डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ना मुझसे अभी यूज़र नेम पासवर्ड मांगा गया है, ना अकाउंट बनाने के लिए बोला गया, डायरेक्ट मैं जो है इसको डाउनलोड कर पा रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा ऐप है, मैं इसको जो है बाकी ऐप से ज़्यादा अच्छा मानूँ, क्योंकि ज़्यादातर ऐप में ये होता है कि आपको यूज़र नेम आईडी पासवर्ड डालने के बाद में ही अलाउ किया जाता है।